हेलो स्टूडेंट्स, आज दा साडा टॉपिक है प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप ऑफ एन एलीमेंट। हुण बेटा सानू कोई भी एक एटॉमिक नंबर दिता हुंदा है और पूछा जाता है कि इस एलीमेंट दी पोजीशन नू लोकेट करो। हुण बेटा पोजीशन ते क्या मतलब है? पोजीशन तो मतलब है कि उस ग्रुप दा ब्लॉक पीरियड सानू दसना है। सो ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप दसना उस एलीमेंट दा। सो बेटा सब तो पहला आप इहदे अंदर क्या करते हैं, दिते हुए एटॉमिक नंबर दे बेस ते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एलीमेंट दा लिख लेंदे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एफ बॉ प्रिंसीपल। जिदा आप 10 एलीमेंट दा कीता सी 1s2 2s2 2p6 लाइक दैट। हुण बेटा तीन चीज़ां पता करनी है, पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप। सो सब तो पहला आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लेना है। हुण बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दे अंदर जिहड़ी वैलेंस शैल हुंदी है, वैलेंस शैल मतलब जिहदे अंदर इलेक्ट्रॉन सब तो लास्ट दे अंदर जांदा है, आउटर मोस्ट शैल नूं कहिंदे है वैलेंस शैल। उस शैल नूं आपां हाईलाइट कर लेना है और उस शैल दा जिहड़ा प्रिंसिपल क्वेंटम नंबर है। हुण बेटा क्वेंटम नंबर्स आपां कीता सीगा, ये चैप्टर एक दूजे नाल इस तरीके नाल रिलेट हुंदे बेटा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दी जदों प्रैक्टिस करवाई सी तुहानू दस्सिया सी, किसे भी शैल दा जदों नाम हुंदा है उहदे सामने जिहड़ा नंबर लिखिया हुंदा है दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपां लिख लिया, सानू नहीं पता इस एलीमेंट दा क्या नाम है, सानू सिर्फ एटॉमिक नंबर पता है 12। सो 1s2 2s2 2p6 3s2, जिहड़ा वैलेंस है आउटर मोस्ट है दैट इज़ 3s2, इनू असी इस तरीके नाल हाईलाइट कर लिया। हुण इहदे अंदर बेटा जिहड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यानी लास्ट शैल दे मूहरे जिहड़ा नंबर लिखा होया है वह सानू पीरियड दसदा है, यानी ए एलीमेंट केड़े पीरियड नू बिलोंग करदा है, थर्ड पीरियड नू। सो पीरियड पता करने का जिहड़ा फॉर्मूला है वह है कि असी वैलेंस शैल आउटर मोस्ट शैल चक लेनी है और उहदा प्रिंसिपल क्वांटम लै लेना है, वह सानू क्या दसदा है पीरियड। अगला आ जाओ बेटा ब्लॉक। हुण सब तो पहला आपां क्या करना है, जिहड़ा कॉन्फिगरेशन लिखिया होया अगेन कॉन्फिगरेशन लिख लिया, जिहड़ी ऑर्बिटल दे अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो सानू ब्लॉक दी इनफॉर्मेशन देंदी है, लाइक इन दिस द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस, सो एलीमेंट एस ब्लॉक नू बिलोंग करता है। दूजा चक लिया आपां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एग्जाम्पल, इहदे अंदर 3d6, सो इलेक्ट्रॉन किनू बिलोंग करता है, डी ब्लॉक नू। सो वैलेंस शैल दे अंदर जिहड़ा लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है sp df, वह सानू ब्लॉक दी इनफॉर्मेशन देंदा है। तीजा आ गया बेटा ग्रुप, ये थोड़ा जिहा टेक्निकल पॉइंट है, इहदे अंदर जिहड़ा ग्रुप है वह सानू पता लगता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शैल या फिर डी केस च n-1d शैल, जिन्हों आपां पिनल्टीमेट शैल कहिंदे हैं। सो ये आपां तिन्ने ब्लॉक्स दे अलग अलग करना है। अगर तो बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शैल दे अंदर जा रहा है यानी आपां एस ब्लॉक एलीमेंट की गल कर रहे हैं, तो ग्रुप नंबर जिहड़ा हुंदा है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जिदा हुण आपां इहदे अंदर कीता सी इलेक्ट्रॉन एस दे अंदर गया तो किहड़ा ग्रुप होएगा, इहदे अंदर किन्ने इलेक्ट्रॉन है 2। आई एम अगेन रिपीटिंग, जिहड़ा सामने नंबर है वैलेंस दा वह सानू पीरियड दस रहा है, जिहड़ा sp df है वह सानू ब्लॉक दस रहा है और जिहड़े उपर इलेक्ट्रॉन है वह सानू ग्रुप दस रहा है इन केस ऑफ एस ब्लॉक एलीमेंट। सिमिलरली इन केस ऑफ पी ब्लॉक एलीमेंट ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो बेटा अगर आप पी ब्लॉक की गल करते हैं तो जेडे उपर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उदे अंदर आप 10 ऐड कर देना है क्योंकि विच डी ब्लॉक एलीमेंट्स आ जाते हैं। दैन फॉर डी ब्लॉक एलीमेंट्स ग्रुप नंबर पता करने लिए बेटा असी दोनों चीज़ों ऐड करते हैं, सम ऑफ n-1d एंड ns इलेक्ट्रॉन। सो फॉर डी ब्लॉक असी कल्ला एस या n-1 नहीं लै सकते, असी दोनों ऐड करना है, n-1d भी लेने हैं तो ns भी लेने हैं। हुण बेटा एग्जाम्पल लैके मैं थोनों एक्सप्लेन कर दी हाँ, जिदे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है लोकेट द पोजिशन ऑफ द एलीमेंट विद एटॉमिक नंबर 12 इन द पीरियोडिक टेबल। हुण बेटा सानू नहीं पता 12 एटॉमिक नंबर वाला नाम क्या है, असी पोजिशन लोकेट करनी है विद दीज रूल्स। सो सब तो पहला बेटा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लेना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गए साडे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12, 2 2 4 6 10 2 12। सेकंड स्टेप
लास्ट वैलेंस शैल नू चक लो, आउटर मोस्ट नू चक लो, सो दैट इज़ 3s2। सो इहदे अंदर तुहानू दस्सिया जिहड़ा पीरियड हुंदा है लास्ट शैल दा, पीरियड मतलब सॉरी क्वेंटम नंबर जिहड़ा हुंदा है ओह सानू पीरियड दसदा है। सो प्रिंसिपल क्वेंटम नंबर ऑफ वैलेंस शैल इज़ 3, सो द पीरियड इज़ 3, इट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। ए लास्ट इलैक्ट्रॉन किहड़ी सब शैल दे अंदर जा रहा है, एस, सो किहड़े ब्लॉक नू बिलोंग करेगा, एस ब्लॉक नू, और एस है इस करके ग्रुप नंबर इज सिंपली इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े कि लास्ट सबशैल दे अंदर जा रहे हैं, दैट इज़ 2। सो इट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड ब्लॉक एस, एंड ग्रुप नंबर केड़ा ग्रुप नंबर बेटा 2। सो इनू बेटा आप अगर इधर देखिए भी तो इधर देखो 12 का सीगा, 12 का कितने आता है साढ़े को, 12 किस चीज़ का एटोमिक नंबर हुंदा है, क्लीयर बेटा। सो ये केड़े पीरियड नू बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट सैकेंड थर्ड, यही समझाया सी थानू, हॉरीजोंटल रोज़ हिमाचल प्रदेश, हॉरीजोंटल रोज़ आर कॉल्ड पीरियड्स HP। सो 1, 2, 3 एटोमिक नंबर 12 वाला थर्ड पीरियड नू बिलोंग कर रहा है। ये जिहड़ा ब्लू नाल इंडीकेटेड है दिस इज़ एस ब्लॉक, दो रोज़ थानू दसे सीगे एस ब्लॉक दे हुंदे है, सो इट बिलोंग्स टू एस, एंड ग्रुप नंबर इज़, ग्रुप नंबर क्या होंगे, वर्टिकल कॉलम्स, वन फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप, सो ये किस ग्रुप नू बिलोंग कर रहे हैं, सेकेंड नू। सो इतों तो क्लीयर भी है, ये मैगनीजियम दी सानू सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सो इस तरीके नाल बेटा आप पोजिशन लोकेट कर सकते हैं किसी भी एलीमेंट की, अगर सानू उदा एटोमिक नंबर पता है, एंड वी कैन राइट डाउन इट्स इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। हूँ बेटा डी वाले केस च, डी ब्लॉक वाले थोड़ा जहा डिफरेंट हुंदा है, लाइक वी विल डू वन एग्जाम्पल ऑफ डी ब्लॉक एलीमेंट, लोकेट द पोजिशन ऑफ एलीमेंट विद एटोमिक नंबर 26 इन द पीरियोडिक टेबल। सो बेटा सब तो पहला आप इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लिया। हूँ बेटा लास्ट थानू मैं समझाया सी लैक्चर के अंदर जिहड़ी डी वाले ब्लॉक के एलीमेंट्स हुंदे हैं उन्होंने अंदर जिहड़ा इलैक्ट्रॉन हुंदा ए हुंदी है बेटा एन वैलेंस शैल, बट लास्ट इलैक्ट्रॉन किहदे अंदर जाता है N-1d, बाहर तो एक अंदर वाली शैल जिन्हों आप पिनल्टीमेट शैल कहते हैं। सो बेटा इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लिया, वैलेंस सैल केड़ी है, चाहे देखने इतने लास्ट के अंदर 3d आया है, बट बाहर केड़ी, क्योंकि N-1 होंगी है डी, सो वैलेंस सैल केड़ी है 4s2। सो इहदा जिहड़ा पीरियड है वह केड़ा हो जाएगा बेटा, वैलेंस का प्रिंसीपल क्वेंटम नंबर, दैट इज़ 4th पीरियड। लास्ट इलैक्ट्रॉन जा कि रहा है डी, इस करके केड़ा ब्लॉक, डी ब्लॉक, ग्रुप नंबर एन और एस दोनों दे इलैक्ट्रॉन्स ऐड कर दो, 6+2 दैट इज़ 8। सो डी ब्लॉक एलीमेंट दे केस ध्यान रखना है कि आपा इदा क्वांटम नंबर 3 नहीं चकना, वैलेंस सेल बाहर वाली आउटर मोस्ट शैल 4s ही है, लास्ट इलैक्ट्रॉन 3d च ऐड हो रहा, बाहर तो एक अंदर वाली सेकेंड लास्ट, सो उदे अंदर ऐड हुंदा है। सो इदे अंदर आपा कर लिया, हुण ऐड कर लिया दोनों, 6+2 सानू ग्रुप नंबर आ गया, वैलेंस जिहड़ा ये दसदा है 4th, और जिहड़ा ए हुंदा है ये सानू दसदा है डी ब्लॉक एलीमेंट। हुण बेटा एक न्यूमेरिकल मैं थानू आप दे रही हाँ, ये तुसी अपने आप सॉल्व करना है, लोकेट द पोजिशन ऑफ एलीमेंट्स ABC विद एटोमिक नंबर 11, 16 and 24 रिस्पेक्टिवली इन पीरियोडिक टेबल। और ये बेटा तुसी मेरे नाल जे नहीं समझ आता व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मेरे नाल डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो, चाहे स्टैप शो करो, जिहड़ी चीज़ नहीं आती वो पूछो। हुण बेटा इहदे चों 1-1 मार्क्स दी, जे बेटा कुछ बच्चे बहुत अच्छा रिस्पोंड कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, पूछते हैं उन्हों को बेटा आंसर भी जा रहे हैं, और उन्होंने असाइनमेंट के अंदर भी सारिया चीज़ा काउंट होनी है। समझ बेटा टॉपिक ता ही आना है जब तुसी आप प्रैक्टिस करोगे। सो बेटा ये अंदर जो जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जिदा आप सैकेंड चैप्टर से भी किए, हॉरीजोंटल रोज़ आर कॉल्ड पीरियड्स HP, वर्टिकल रोज़ आर कॉल्ड ग्रुप्स VG, मोस्ट इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट इज़ फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर इज़ द डैश प्रॉपर्टी ऑफ एन एलीमेंट, इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलीमेंट, डी ब्लॉक एलीमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज डैश एलीमेंट, ट्रांजिशन एलीमेंट्स बिकॉज दे आर इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलीमेंट्स आर नोन एज
either representative elements or you can write down normal elements. Noble gases are also known as inert gases because they do not react easily with any other element. Mendeleev's periodic table is based upon dash, that is based upon atomic weight. Long form of periodic table is based upon dash. Long form is based upon atomic number. एक बेटा इत्थे क्वेश्चन आंदा है, मैजिक नंबर्स क्या होंदे हैं? अगेन केड़े नंबर्स नूं मैजिक नंबर कहा जाता है? 2, 8, 18, 18, 32, वो नंबर्स जिन्हां दे बाद फिजिकल एंड कैमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट होंदियां हैं, वो नंबर्स नूं कहा जाता है मैजिक नंबर्स. सो ए बेटा हुण थर्ड चैप्टर भी खत्म है, इहदी कल मैं असाइनमेंट दे देनी है. असाइनमेंट बेटा सबजैक्टिव क्वेश्चन भी है, ऑबजैक्टिव क्वेश्चन भी है, और जिहड़ी भी प्रॉब्लम थोड़े वल ते है वो तुसी बेटा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर साढ़े ते पूछ सकते हैं. और बेटा इन्हां नूं क्वेश्चन जिहड़े मैं दिते हैं अदरवाइज से इहदे अंदर थ्योरी हुई है, ए एस पी डी एफ ब्लॉक वाले न्यूमेरिकल टाइप से आ जाते हैं, इन्हां नूं सॉल्व करो और जिहड़ी भी प्रॉब्लम है वो तुसी साढ़े ते व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछो. थैंक यू.